Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Guys, आज हमारा वीडियो नंबर 5 बना रहे हैं और इस चैप्टर का हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं. आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, जहां पर हमने हमारी पुरानी वीडियो यानी कि चौथी वीडियो छोड़ी थी. हम लोगों ने चौथी वीडियो के अंदर डिस्कस किया था किस चीज के बारे में, हमने डिस्कशन किया था कि बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस किस तरीके से हो सकती हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि एक केमिकल रिएक्शन को 5 पार्टों में, 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है. ठीक है, जैसा कि कल अगर आपने सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा हो तो वहां पर जो रंगारंग प्रोग्राम था उसके अंदर वहां पर हर एक कैटेगरी के अंदर अलग अलग तरीके से उन्होंने सबको क्या दिए थे, प्राइज दिए थे. तो उसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के अंदर अलग अलग कैटेगरी में हर चीज को रखा जाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई कुछ स्कूल ऐसे हैं कि भाई ये हमारी क्लास स्कूल का टॉपर बच्चा है, तो उन टॉपर को सबको एक सेक्शन में डाल दिया. ठीक है, फिर उसके बाद मीडियोकर्स को एक सेक्शन में डाल दिया, और जिनको स्कूल वाले गधे समझते हैं, हालांकि वो बच्चे गधे नहीं है बिल्कुल पूरी तरीके से. ठीक है, और अगर कुछ हिस्ट्री देखें तो जिनको स्कूलों ने काफी ज्यादा डीमोटिवेट किया उन्होंने ही कुछ ना कुछ जरूर किया है. तो भाई जो थर्ड कैटेगरी आई के बोले वहां पर बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग डफर बच्चे, वो उसको उनको उस कैटेगरी में रखते हैं. तो इसी तरीके से केमिस्ट्री ने भी क्या करा, कैटेगराइजेशन किया हर एक रिएक्शन का अलग अलग तरीके से, उन्होंने उसको अलग अलग कैटेगरी में क्या कर दिया, पुट ऑन किया. ठीक है, राइट. तो ये हुई हमारी केमिस्ट्री की बात कि हम लोग 5 तरीके की रिएक्शन 5 अलग तरीके से, 5 अलग फॉर्म में, 5 अलग तरीके की रिएक्शंस को पढ़ने वाले. ठीक है, उससे पहले मैं आज के क्वेश्चन का आपको आंसर बता देता हूं. राइट, तो हमारे आज के क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, आज हमारा क्वेश्चन था कि भाई जो फिनोमेना ऑफ रेनबो है वो कौन से प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द प्रोसेस इज व्हाट, रिफ्रैक्शन. ठीक है, राइट. और दूसरी चीज कि कुछ बच्चों को कल के क्वेश्चन में भी काफी ज्यादा डाउट था. देखो, मैंने कहा था तीसरी वीडियो के अंदर कि जो क्वेश्चन सीबीएसई हमें एग्जाम में देगी उन क्वेश्चंस के अंदर वो हमें जरूर परेशान करेगी 2 ऐसे ऑप्शन डाल के जिनके अंदर क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी, ये जानने की कि भाई ये दोनों ऑप्शन एक जैसे. हमारा क्वेश्चन था कि मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, उसमें मैंने ऑप्शन नंबर 1 डाला था लीफ, ठीक है, दूसरा स्टेम, थर्ड वन इज व्हाट आई थिंक क्लोरोप्लास्ट इज द थर्ड वन, ठीक है, और चौथा आई डोंट नो एक्चुअली कि क्या था चौथा ऑप्शन. ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है, कुछ लोगों को लीफ के ऊपर डाउट था और कुछ लोगों को क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डाउट था. देखो, लीफ ऐसा हुआ कि हमारा घर और उसके अंदर किचन इज क्लोरोप्लास्ट. तो अब हम खाना कहां पकाते हैं, हम खाना पकाते हैं किचन के अंदर. तो व्हाट इज एक्चुअली द किचन ऑफ द होल प्लांट इज क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज अ साइड वेयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, और वो क्लोरोफिल जो होता है वो ही सन की एनर्जी को ट्रैप करने का काम करता है. तो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. ठीक है भाई, जिनके हिसाब से क्लास तीसरी में जिन्होंने जो पढ़ लिया था और उनको फिर भी आंसर नहीं आया, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वापस से तीसरी कक्षा में जाएं और उस टॉपिक को वापस से पढ़ के आए. ठीक है, चलिए तो हम लोग हमारा आज का वीडियो चालू करते हैं. आज हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन. ठीक है, कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था, अगर हम वर्ड को तोड़ें तो इसका मतलब होता है कंबाइन करना. ठीक है, राइट. तो अगर हम देखें तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कंबाइन करना, यानी कि 2 चीजें मिली और 2 चीजों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया. कर मैंने आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए थोड़ी सी बायोलॉजी की हेल्प ली थी. बायोलॉजी की क्या हेल्प ली थी हम लोगों ने, कि हम लोगों ने ये देखा था कि व्हेन मदर एंड फादर गैमीट फ्यूज विद ईच अदर देन जायगोट विल फॉर्म. ठीक है, तो जब मम्मी के और पापा के गैमीट एक दूसरे से मिक्स होते हैं तब जायगोट का फॉर्मेशन होता है. तो उसी तरीके से एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जब 2 चीजें मिली ए के साथ बी फ्यूज हुआ, ठीक है, इन दोनों को जुड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बना दैट इज व्हाट, ए बी
या फिर मैं कहूं कि एक सी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. जनरली सारी नहीं बोल रहा, जनरली सारी की लगभग सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक नेचर? दे रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, जितना भी कार्बन बर्न होगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कार्बन प्रोडक्ट्स, जितने भी कार्बन के प्रोडक्ट्स बर्न होते हैं वो सबके सब कौन सी रिएक्शन को फॉलो करते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूं, कार्बन को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड. आप पेट्रोल को हीट बर्न करो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू गेट पेट्रोल प्रोडक्ट्स प्लस हीट प्लस एनर्जी. तो देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलीज इन द एनर्जी व्हेनेवर अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस अकर. ठीक है, वन मोर रिएक्शन वी हैव, राइट, वन मोर रिएक्शन वी हैव. देखिए हम लोग एक रिएक्शन और बोलते हैं, देखते हैं अमोनिया की रिएक्शन देखते हैं. दैट इज व्हाट NH3 प्लस HCl. ठीक है, राइट, अमोनिया प्लस HCl वी गेट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. ठीक है, तो हम यह देख सकते हैं कि दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है और एक सिंगल आउटपुट हमारे पास जनरेट होके आ रहा है. सिमिलरली अगर हम लोग एक रिएक्शन और देखेंगे, और रिएक्शन है हमारे पास, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, राइट, ऑल दीज रिएक्शन आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. राइट, नेक्स्ट इज वॉट ब्रेकडाउन ऑफ फूड. दैट इज वॉट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. राइट, अगेन अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हालांकि कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है बट इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर हमेशा हमें एनर्जी मिलती है. इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं हमारी दूसरी तरीके की रिएक्शन के ऊपर. हमारी दूसरी तरीके की रिएक्शन है, दैट इज व्हाट डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, चलिए हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं. अगर हम वर्ड देखें डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, और वी कैन से ब्रेक डाउन. तो जहां पर भी आपको एक चीज टूटकर दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर मिलती है तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, राइट. तो यहां पर जो ए है या जो पूरा ए बी होगा वो डिकम्पोज होगा और टूटकर हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिल सकता है. ठीक है, या फिर जो ए है वो किसमें टूट जाएगा? बी प्लस सी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा. अब अगर हम नोटिस करें कि अगर हमें किसी चीज को तोड़ना है, क्या करना है मुझे? तोड़ना है. तो हमें तोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी. तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करना है, अगर किसी रिएक्शन को प्रोसीड करना है, अगर किसी चीज को तोड़ना है, क्या करना है? तोड़ना है. तो उसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी. क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी. और जब भी मैं एनर्जी रिएक्शन को देता हूं, That type of reactions are known as endothermic reactions. वो सारी की सारी reactions क्या कहलाती हैं? Endothermic reactions. Right? These all kinds of reactions are known as endothermic reactions. और ये सारी की सारी endothermic nature की होती है. ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आप एक सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड कराओगे और एनर्जी प्रोवाइड होने के बाद वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा और हम लोगों को प्रोडक्ट देना स्टार्ट करेगा. राइट, तो ये सारी जो रिएक्शंस हुई दे आर व्हाट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, अब
एनर्जी हम किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी प्रोवाइड कराने के हमारे पास अलग अलग तरीके से मेथड है। मैं पहले एक रिएक्शन की बात कर लेता हूं। यहां पर सबसे पहले मुझे कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने इसको एनर्जी दी, हीट किया, क्या किया, हीट किया, ठीक है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। किस किस में ब्रेक डाउन हुआ, दैट वन इज व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड द सेकंड वन इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, राइट। तो अब देखिए सिंपल, हमें कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा प्रोडक्ट था, मैंने उस बड़े प्रोडक्ट को दो छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्या प्रोवाइड करा के, एनर्जी प्रोवाइड करा, ठीक है, राइट। हीट किया और हीट करने के बाद उसने एनर्जी दी और एनर्जी लेने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स के पास गई और उसके मॉलिक्यूल्स ने टूटना चालू कर दिया, एंड दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ना, वो तीन तरीके से हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि हम जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो तीन तरीके से मैं एनर्जी क्या कर सकता हूं, प्रोवाइड करा सकता हूं। कितने तरीके से प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, तीन तरीके। पहला तरीका, मैं उसको हीट कर रहा हूं, क्या करा आपने, आपने उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद वो जो सब्सटेंस था वो ब्रेक डाउन हो गया। दिस इज वन मेथड, यानी कि बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, राइट, एंड दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। इस तरीके का डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो जब भी आप किसी सब्सटेंस को तोड़ने का काम कर रहे हो, तो उसको तोड़ने के लिए हमें उसको हीट देना जरूरी है, और जैसे ही मैंने किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करी, वो टूटना चालू हो गया, ठीक है, राइट। तो वी हैव एन एग्जाम्पल, दैट इज व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने उसको हीट किया एंड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोगों को मिल गई। सो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस, जिनके अंदर मैं किसी रिएक्टेंट को उसके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में तोड़ने के लिए, ठीक है, उसके वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में तोड़ने के लिए क्या करता हूं, हीट देता हूं, गर्म करता हूं, तो वो रिएक्शन जो होगी, दैट रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, दैट इज लाइट, कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है, वो बेसिकली बहुत अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के काम में आता है, सीमेंट बनाने के काम में आता है, ग्लास बनाने के काम में आता है, वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनाने के काम में आता है, ठीक है। सेकेंड तरीके का डिकम्पोजिशन हम लोग चलते हैं, सेकेंड काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन इज वॉट, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मैं किसी भी सब्सटेंस को करंट प्रोवाइड करा रहा हूं, क्या प्रोवाइड करा रहा हूं, करंट प्रोवाइड करा रहा हूं, और करंट देने के बाद मैं उसे तोड़ने का काम कर रहा हूं, ठीक है। आपने कहीं सुना होगा कि भाई दो जनों में लड़ाई हो रही है, हम भड़काना चालू करते हैं, आग में घी डालना, तो वही वाला काम कौन करता है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो अगर मुझे किसी चीज को तोड़ना है, तो मैं उसको करंट प्रोवाइड करके तोड़ू, ठीक है। दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का सबसे बड़ा एडवांटेज, टू रिमूव इंप्योरिटीज, राइट, टू रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम द इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस में से हम लोग इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, और इसमें हमें, ठीक है, इसमें हमें जो मेटल मिलता है, दैट मेटल इज कंप्लीटली प्योर, राइट। ये जो मेटल हम लोगों को मिल रहा है, ये एक प्योर मेटल होता है, इज दैट क्लियर, ठीक है। हम लोग देखते हैं, सबसे पहला इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस होगा, आपके पास सॉल्यूशन होगा, दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई होंगी, वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी एंड द अनदर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, ठीक है, राइट, ठीक है। तो वन इज वॉट, कैथोड, एंड द अनदर वन इज वॉट, एनोड, ठीक है। चलिए
अब हम देखते हैं कि मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, और हमने क्या लिया, वाटर। जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी तो यहां से H प्लस आयंस निकलेंगे और OH माइनस आयंस निकलेंगे। ये नेगेटिव वाले जाएंगे पॉजिटिव से चुपकने, और ये पॉजिटिव वाले जाएंगे किससे चुपकने, नेगेटिव से चुपकने। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक के ऊपर तो हाइड्रोजन आ रहा है और एक के ऊपर ऑक्सीजन रिलीज, यानी कि वाटर जो है दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, नंबर वन हाइड्रोजन, नंबर टू ऑक्सीजन। तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर तो हाइड्रोजन गैस आएगी और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस आएगी, लेकिन जिस टम्बलर के अंदर हाइड्रोजन गैस आएगी, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ बबल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, जस्ट डबल होंगे इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाले के अंदर नंबर ऑफ बबल्स कम होंगे, क्यों कम होंगे, अब वो देखो, जब ये वाटर टूटता है, जब ये वाटर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, तो हमें दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देता है और एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देता है। ठीक है, क्या देता है हमें, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं यहां पे दो हाइड्रोजन है और सिर्फ एक और एक ही ऑक्सीजन है, तो इसीलिए जिस पर हाइड्रोजन गया वहां पर नंबर ऑफ बबल्स कंपैरेटिवली डबल होंगे इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? अब हमारा आता है थर्ड, दैट इज व्हाट, फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में हम लोग सनलाइट प्रोवाइड कराते हैं किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए। सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये वही सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था जिसके लिए कल किसी एक मोहतरमा ने कहा था कि ये हमने क्लास थर्ड में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, ये वही थर्ड में है बेटा, लेकिन बट हम लोग प्लीज टेंथ में है तो हम लोग अब टेंथ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, क्लोरोफिल ट्रैप करता है सन की एनर्जी को, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ने सन की एनर्जी को ट्रैप किया और फूड को ब्रेक डाउन करने का काम कर रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड का ब्रेकडाउन, AgCl का, AgCl को जब सनलाइट मिलेगी तो इट गिव सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, राइट, और इस क्लोरीन गैस को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है। तो सिल्वर क्लोराइड जब भी हम देखते हैं तो उसको एक डार्क कलर की बोतल में कवर करके रखा जाता है, कारण क्योंकि अगर ये सिल्वर क्लोराइड कांटेक्ट में आएगा सन के या सनलाइट के, ये फटाफट से इसको तोड़ने का काम चालू कर देगा एंड वी गेट सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, यानी कि अभी ये अलग कलर का है और अभी ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से कलर में ग्रे कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक और रिएक्शन इसकी, दैट इज व्हाट, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, ये सब काम में आते हैं कहां पर, नेगेटिव फोटोग्राफी करने के काम में आते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास डिजिटल कैमराज हैं, ये फोटो खींचिए बाहर निकाल ली, लेकिन अगर मैं आज से 10 साल पुरानी या 8 साल पुरानी बात करूं तो हम फोटोग्राफर के पास जाते थे, वो कहता था भैया फोटो खिंचवा लीजिए। ठीक है, हमने उसके पास गए, हमने उससे फोटो खिंचवाई, वो कहता था दो दिन बाद आइएगा फोटो मिल जाएगी, बट अगर अर्जेंसी में चाहिए तो आपको 100 रुपए में 4 फोटोएं मिलेंगी या 5 फोटोएं मिलेंगी। तो वो क्या करता था, फटाफट से फिल्म निकालता था, पूरी रील होती थी, जैसे ही वो रील लाइट के कॉन्टेक्ट में आई उस रील का पूरा कलर खराब हो गया। तो हम क्या करते थे, डार्क रूम में ले जाके उसको पानी में धोते थे और फिर बनाते थे। उस पर क्या लगा हुआ होता था, AgBr चढ़ा हुआ होता था, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे ये AgBr लाइट के कांटेक्ट में आया, इसने टूटना चालू कर दिया, ठीक है, और इसका कलर ऑटोमेटिकली खराब हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं। तो डिकम्पोजिशन करने के तीन मेथड, मेथड नंबर एक थर्मल, मेथड नंबर दो इलेक्ट्रिकल, मेथड नंबर तीन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला आता है, आज के लिए आखिरी टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, ठीक है. हाई रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, ठीक है. हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है. मतलब जो ज्यादा अच्छा है वो कम अच्छे की जगह चला जाएगा, या जो ज्यादा सेंसिटिव है वो कम सेंसिटिव की जगह जाके बैठ जाएगा. यानी कि ए प्लस बी सी, ए ज्यादा रिएक्टिव है तो बी की जगह चला गया, एंड विल गेट ए सी प्लस बी, सच दैट ए इज हाई रिएक्टिव देन बी. बट अगर कुछ ऐसा है, इट विल बी नो रिएक्शन. किस केस के अंदर? व्हेन बी इज मोर रिएक्टिव देन ए. तो उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ेगी. रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? चलिए, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज. ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और उसके बाद नीचे, ये हाइड्रोजन के बाद वाली सीरीज है, और हाइड्रोजन से जो नीचे आता है वो हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता. हर ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट की जगह जाके बैठ सकता है. ऑर्डर कैसे याद रखेंगे? कैटरीना, कार, मांगे, ऑल्टो, जेन, फरारी, ठीक है. ये तीन कार मांगती है, फिर भी है क्यूट, सिल्वर की जगह यूज करेंगे एसआई और गोल्ड की जगह यूज करेंगे गर्ल, तो इट विल बी क्यूट सी गर्ल, ठीक है. तो क्या रिएक्टिविटी सीरीज बनी हमारी? कैटरीना, कार, मांगे, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यूट सी गर्ल, ठीक है. तो अब अगर हमें किसी की रिएक्शन करानी है तो हम इस बेसिस पे रिएक्शन कराएंगे. ऊपर वाला हाई रिएक्टिव और नीचे वाला लो रिएक्टिव, और रिएक्टिविटी कम होती जाती है. से फॉर एग्जाम्पल, मैं रिएक्शन करवा रहा हूं किसकी? Na प्लस HCl. अब सबसे पहले देखें आप कि हाइड्रोजन और सोडियम दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है. सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन नीचे नीचे आता है, तो ये सोडियम किसकी जगह चला जाएगा? हाइड्रोजन की जगह, एंड यू गेट NaCl प्लस हाइड्रोजन, ठीक है. हम बैलेंस कर सकते हैं इसको, ये बैलेंसिंग, ठीक है, राइट. अब अगर मैं रिएक्शन देखूं दैट सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो देखिए अब हम देखेंगे कि क्या ये सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या. देखिए सिल्वर नीचे आ रहा है और कॉपर ऊपर आ रहा है. ऊपर वाला नीचे की जगह जा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले की जगह नहीं जा सकता. तो ये क्या हुआ? कॉपर लेस रिएक्ट, मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. तो यानी कि ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो, इट मीन्स देयर विल बी नो रिएक्शन. तो जनरली हम जो रिएक्शन देखते हैं, जो टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, एक सिंपल मेटल की किसी भी सब्सटेंस के साथ, तो वो सब की सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है. सो गाइज, ये हुआ हमारा तीन तरीके की रिएक्शन आज खत्म. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारे दो रिएक्शंस के साथ और मिलेंगे. दैट इज व्हाट, नंबर वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द सेकंड वन विल बी व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है. डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का लिंक मिलेगा, जिसके लिए हम लोग कल की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि उनके क्या आंसर हो सकते हैं, ठीक है. इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ और एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ. So till then guys, keep on watching Little Scholars and stay tuned with us. Like, subscribe और share करना नहीं भूलें.